नमस्कार हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम से मैं दिव्या, पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल बीजेपी ने जारी की नगर निगम के प्रत्याशियों की लिस्ट। बर्फबारी के चलते अटल टनल सैलानियों के लिए बंद, निचले इलाकों में बारिश। छतरौली में बाइक दुर्घटना में घर पर छुट्टी आए सैनिक और उसके साथी की मौत। नगर निगम चुनाव में टिकट आवंटन से नाराज हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता ने दिया पद से त्याग पत्र। महाराष्ट्र मामले पर हंगामे के बाद राज्यसभा स्थगित, जावड़ेकर बोले गृह मंत्री कर रहे वसूली, पूरे देश ने देखा। शोपियां मुठभेड़ में लश्करे मुस्तफा और लश्करे तैयबा के चार आतंकी ढेर, एक जवान घायल। कोरोना के बढ़ते मामलों से फिर दहशत, कई राज्यों में स्कूलों पर लटका ताला। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीजेपी की ओर से आज धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगम चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। इनमें से धर्मशाला से 17, पालमपुर से 15, सोलन से 17, मंडी से 15 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने चारों नगर निगम के लिए सभी 64 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। रविवार को कांग्रेस ने 64 में से 55 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी की थी। पार्टी दूसरी सूची आज निकालेगी। इसके अलावा आज से शहरी निकायों और 3 ब्लॉक में पंचायत प्रधान पदों के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल में मौसम ने करवट बदली और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी व निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी शिमला में भी बारिश का दौर जारी है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला में बीती रात से ही बारिश व बर्फबारी का दौर जारी है। लाहौल स्पीति के समूचे क्षेत्र में बर्फबारी व बारिश से तापमान में गिरावट हुई है। ऐसे में अधिकतर क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद यातायात प्रभावित हुआ है। परिवहन विभाग केलंग की ओर से केलंग मनाली बस सेवा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। केलंग में 3 इंच, सिस्सू में 4 इंच, अटल टनल रोहतांग के दोनों छोरों पर आधा फीट ताजा बर्फबारी हुई है। एसडीएम मनाली रमन घरसंगी ने बताया कि बर्फबारी व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैलानियों के लिए अटल टनल बंद कर दी गई है। पुलिस थाना क्षेत्र नूरपुर के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पठानकोट मंडी के छतरौली में हुए सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों करीबी रिश्तेदार थे। इनमें से एक युवा सेना में सेवारत था। हादसे में 22 वर्षीय अमित शर्मा और 26 वर्षीय विक्रम शर्मा निवासी नूरपुर की मौत हुई। पुलिस थाना नूरपुर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस को देर रात 2 बजे सूचना मिली थी कि NH स्थित क्लासिक एजेंसी छतरौली में बाइक सवार 2 युवक शीशम के पेड़ से टकराकर बेसुध पड़े हैं, जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर नूरपुर के सिविल अस्पताल पहुंचा दिया। यहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। नगर निगम चुनाव में टिकट आवंटन से सामान्य वर्ग की अनदेखी के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आकाश शर्मा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला को प्रेषित करते हुए पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को भेज दिया है।
उन्होंने कहा कि मंडी जिला में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा का जिम्मेदार यहां का नेतृत्व है, जो समर्पित और ईमानदार कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर उनको नुकसान पहुंचाने में हमेशा तत्पर रहता है। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार बीजेपी व कांग्रेस में गोटियां फिट करता है, वे सभी निर्णय उनके द्वारा लिए जाते हैं। देश की संसद में सोमवार को महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली का मुद्दा गूंजा। संसद के दोनों सदनों में महाराष्ट्र को लेकर जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं, ये सारा देश देख रहा है। हंगामा बढ़ने के बाद राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। बीजेपी के सांसद राकेश सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और केंद्रीय एजेंसियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए। दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां के इमाम साहिब इलाके में मनीहाल गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सोमवार को शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए 4 आतंकियों की पहचान कर ली गई है। इनमें आमिर शरीफ निवासी बाटापोरा, रईस अहमद भट्ट निवासी डीकेपोरा शोपियां, आकेब मलिक निवासी अरिशोपोरा शोपियां, जबकि चौथे की पहचान अल्ताफ अहमद वानी के तौर पर हुई है। ये लश्करे मुस्तफा और लश्करे तैयबा से संबंधित थे। ये सभी पिछले 6 महीने से अपने घरों से लापता थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद सुरक्षा बलों ने कोई और आतंकी मौजूद न होने की पुष्टि होने पर अभियान को समाप्त करने की घोषणा कर दी। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियों की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया है तो पंजाब और गुजरात में नाइट कर्फ्यू। इसके अलावा कई राज्यों ने महामारी की रफ्तार को रोकने के लिए एहतियातन स्कूल कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला लिया है। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का सुझाव दिया गया है। कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं को भी आगे बढ़ा दिया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।